क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अतीक पाशा है जी, और मैं यूपी के ज़िला मुरादाबाद से आता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अब की बार उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव का बिगुल बजने वाला है, और कहीं ना कहीं क्या लगता है आपकी बार दोबारा फिर योगी सरकार या फिर नहीं? देखिए आपने देखा, जैसे बंगाल का आपने जिक्र किया, तो बंगाल में बाकी ही, लेकिन इन्होंने जो वहाँ पर माहौल बना रखा था और जो इन्होंने नारा दिया था कि अब की बार जो है 200 पार बंगाल के अंदर, ये इन्होंने नारा दिया था, लेकिन वहाँ पर जो है ये 100 के अंदर ही अंदर सिमट कर रह गए। और वहाँ पर जो आपने कहा कि ममता बनर्जी खुद हार चुकी, जबकि एक वो मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा था उनको पहले 1200 वोटों से जो है जीत के लिए अलाउंस कर दिया, और उसके बाद में तो ये इन्होंने जो है षड्यंत्र रचा। हो सकता है कि उसमें जो है इन्होंने दबाव में आके फिर उसको जो है शुभेंदु अधिकारी को जिताया हो। चुनाव आयोग जो है आजकल इशारे पे चला, तो मैं ये चीज़ कहूँगा उत्तर प्रदेश के लिए। आपने देखा अभी जो है जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के चुनाव हुए हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो सरकार सत्ता में होती है उसके जो है जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा बनते हैं, लेकिन आपने हर जगह देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आज़ाद सबसे जो निर्दलीय लोग लड़े थे वो चुनाव जो ज़्यादा जीते हैं, फिर उसके बाद जो है एक सपा पार्टी के ज़्यादा जीते हैं। तो इस तरह से ये जो है पूरी तरह से अभी तो ये फेल हो चुके हैं। और बाकी हम ये जो इंसान, क्योंकि हम कुछ ऐसे भी है कि भक्त भी हैं, तो एक हमें इंसान बनकर सोचना होगा। जो पिछले दो महीने से हम जो इंसान सभी भाई आपस में इस बीमारी से, इस महामारी से इस तरह लड़े कि आपने देखा होगा इलाहाबाद के अंदर अपने शमशान घाट में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका जो अंतिम संस्कार करना था उनकी बॉडी को जो है दबा दिया गया है। और आपने देखा कि जो नदी के अंदर ना मालूम हिंदू या मुस्लिम किन किन भाई की बॉडी जो वहाँ पर पाई गई, आपने देखा होगा 2000 से ज़्यादा जो हज़ारों की तादाद में बॉडियाँ मिली। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी पूरी तरह से। सरकार अपनी जो है नाकामी को हटाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए और मुद्दों पर इलेक्शन मतलब डाइवर्ट कर देती है, कभी जो है हिंदू मुस्लिम पे, कभी जो है आपने देखा कि जब इंसानों को गैस मुहैया नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन गैस मुहैया नहीं हो रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, हॉस्पिटल में अस्पताल में बेड नहीं मुहैया करा पा रहे थे, उस टाइम वो एक मुद्दा ले आते हैं कि हम जो है गाय को जो है ऑक्सीमीटर मुहैया कराएंगे, इस तरह का। तो इंसान होकर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये हर शहर उजला उजला सा लगता है, हमें तो ये कुदरत का कहर लगता है। और आज इंसान की भी ऐसी क्या तरक्की साहब कि आज इंसान को ही इंसान से डर लगता है। तो आपने देखा होगा कि इंसान जो सब जो 500 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 35,000 में बेच रहा है वो भी इंसान ही था साहब। बिल्कुल इसने बताया भाई ने, बिल्कुल मैं आपकी बात को एक विराम देता हूँ कि अब की बार जो देखा जाएगा आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की बात कही गई थी, एक वीडियो वायरल थी, एक अपने जो बुजुर्ग है पता नहीं लाश लेकर कंधे पे उठाकर जा रहा था, साइकिल पर जा रहा है। हाँ। देखिए आत्मनिर्भर क्या, मैंने इस तरह की वीडियो देखी है कि एक बुजुर्ग साइकिल पर लाश को लेकर जा रहे थे, कोई नहीं बेचारे आगे जाते जाते धूप में, और उनकी साइकिल भी गिर जाती है, क्योंकि अगर हम ही अभी किसी अपने को लेकर चलेंगे तो एक कहाँ तक लेकर चल सकता। और एक माँ, एक बेटी अपनी माँ को, जिसकी क्या सांस ऑक्सीजन की वजह से जा रही थी, उसने खुद अपने सांस से जो है मतलब अपने मुंह से जो है उसको हवा देने की कोशिश की। और फिर वो जो पोस्ट थी तो उसमें ये था कि और कितना आत्मनिर्भर होंगे साहब, क्योंकि ऑक्सीजन ना मिलने पर अपने इस कोरोना महामारी को कितना खतरनाक समझ रहा, जबकि हम और आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं कि आपका, लेकिन वो बेटी अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती है। अपनी जान की परवाह नहीं करके एक उसके मुंह पर मुंह रखकर ऑक्सीजन एक हवा देने की कोशिश करती है। जिस मरीज को हम छूने से मतलब कि 2 मीटर की दूरी मास्क है जरूरी, उसने अपना मुंह लगा करके उसके ऑक्सीजन दी। और कहीं ना कहीं अभी डॉक्टरों की जो वीडियो देखी है जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, उनकी भी काफ़ी वीडियो मारपीट जो मरीजों के साथ हुई है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या यही आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है? हालांकि अभी जो है सच्चाई बोलना इस देश के लिए गलत है, और मैं तो चाहूँगा कि सच्चाई बोलनी चाहिए,
क्योंकि कब तक चलेगा ये, बिल्कुल ज़्यादा टाइम तक कभी झूठ नहीं चलता कभी। ये अभी आपने पता है कोरोना महामारी, हम चाहते हैं कि हमारे देश से कम होने लगी है, और हालांकि जो है अच्छे दिन अपने आप आए हैं या मोदी सरकार ने रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अभी सरकार के जो कर्मचारी या सॉरी जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि सरकार ने इतने अच्छे कदम उठाए तो इसलिए महामारी कम हुई है। बिल्कुल सही है भाई जी। सरकार देखिए, सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सरकार ने कोई, आपने देखा जिस टाइम महामारी ये चल रही थी, वो लोग इलेक्शन की जब स्टार्टिंग हुई थी तो इलेक्शन में लगे हुए थे, सवाएं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब लोगों की मौत हो जा रही है इधर उधर, जो मतलब बेड नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, तो उस टाइम कोई भी नेता बीच में नहीं आता, जनता के लिए कोई भी आश्वासन नहीं देता कि हम अस्पताल में मेडिसिन मुहैया कराएंगे या आपको जो है, बल्कि अगर आते तो इस तरह से लेक्चर देते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल की नाकामी दिखाएगा, बेड ऑक्सीजन की कमी दिखाएगा, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आपने इस तरह का देखा कि जिन लोगों ने हॉस्पिटल लोगों के लिए सहायता की, उनको जो जेलों में डाला, अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर भी जो लोगों ने ये जो रोस्टर लगाए कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, आपने टीकाकरण उत्सव मनाया था पूरे भारत के, मतलब दुनिया का उसको जो है, मतलब बहुत क्या कहते हैं कि एक ज़्यादा मतलब नाम करने वाला इस तरह का जो आपने उद्घाटन किया था, टीका उत्सव मनाया था, लेकिन जब इस पर सवाल करती है जनता तो उसको आप जेल में डाल देते हैं। तो ये पूरी तरह से नाकामी है। ये जो कंट्रोल हुआ है, जो आपस में भाईचारे से मिलकर बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है, और हो सकता है ये मतलब ये है कि काफ़ी टाइम पहले भी जो वेव आई थी तो उसमें भी 2-3 महीने रहा, उस टाइम ये हल्का अब आने लगे, सब निकल के आने लगे, लेकिन यूपी का जो चुनाव होगा इंसानियत के नाते होगा, और सब जनता जो है समझ चुकी है, क्योंकि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर आप अस्पताल पर और स्कूल पर और जो है आपकी जॉब्स पर, इन्हीं जो है मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, और जो इन जो हमारे ज़मीनी स्तर पर काम करेगा हम उसको चुनने का काम करेंगे। और बीजेपी के लिए आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी स्टेट में जहां पर भी डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, लेकिन ये पूरी तरह से हर जगह नाकाम है। आपने कहा कि बीजेपी का अब की बार सपड़ा साफ करेंगे, 100 के 2 तो कौन है दूसरा चेहरा? देखिए दूसरा चेहरा जो भी जनता के लिए बेस्ट होगा, बाकी सपा भी है, बसपा भी है, जिसको भी आम आदमी पार्टी भी जा रही है, लेकिन यही चीज़ है कि हम जो है बीजेपी का यहाँ पर जो किसान 6 महीने से बैठे हैं, पूरे 6 महीने होने वाले हैं, और 6 महीने में हम जो है एक काला दिवस के रूप में जो है एक मोदी जी का पुतला फूंक कर विरोध जताएंगे, और हर जगह आने वाले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा हमारे किसान नेता इसी तरह से सवाई करेंगे, जैसे कि आपने देखा अभी बंगाल में की थी, तो वहां पर जाकर हम लोगों को यही बताएंगे कि जब